देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। गुरदासपुर सीट से जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं सनी देओल, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है काफी ज्यादा ही सतर्क हो गई है। क्योंकि अगर सनी पाजी की बात की जाए तो सनी पाजी बॉलीवुड में एक ऐसा चेहरा है, बॉलीवुड के एक ऐसे शानदार एक्टर कहलाए जाते हैं जिनकी बातों को जनता फॉलो करती है, जिनकी चीजों को जनता मानती भी है। अब ऐसे में जहां पर चुनावी लड़ाई तो जारी ही है मगर घर की लड़ाई यानी कि हेमा मालिनी संग जितने भी उनकी लड़ाइयां हैं, जितने भी उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने भी उनके क्लशेस हैं, वो सारी चीजें अब लग रहा है कि दूर हो जाएगी इस चुनावी जंग में। क्योंकि हाल ही में जहां पर गुरदासपुर सीट से हेमा मालिनी के सौतेले बेटे सनी देओल जो है चुनाव लड़ रहे हैं, खुद हेमा मालिनी जो है यहां से चुनाव लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं मथुरा सीट से हेमा मालिनी खड़ी है। अब ऐसे में हाल ही में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि हेमा मालिनी ने राजस्थान के पाली में रोड शो किया, जहां पर राजस्थान में ही हेमा मालिनी रही और वहीं पर यहां सनी देओल को भी देखा गया। जी हां, बडमेरा में सनी देओल की भी रोड शो रही। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बेटे के लिए अब चुनावी मैदान पर हेमा मालिनी उतर चुकी है, यानी कि सनी के लिए हेमा मालिनी ने प्रचार किया। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं, क्योंकि एक ही राज्य में दोनों यहां पर अपना रोड शो कर रहे थे, दोनों एक ही पार्टी से हैं, एक ही घर के सदस्य हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं हेमा मालिनी भी सनी का प्रचार करती दिखी। अब क्या है पूरी खबर, देखिए आप हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जो इन दिनों चुनावी मैदान पर देखे जा रहे हैं, जी हाँ, सनी पाजी को आप सभी ने फिल्मों में दमदार रोल के साथ तो देखा ही है, मगर अब तो सनी पाजी देश की जनता की सेवा पर उतर आए हैं। गुरदासपुर सीट से जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सनी देओल बने हैं, तो ऐसे में गुरदासपुर सीट से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, जहां पर चुनावी माहौल तो सरगर्मी पर है ही, मगर ऐसे में अब लग रहा है कि जितना चुनावी माहौल और जितनी गर्मी देओल परिवार में देखी जा रही थी वो भी अब कम हो गई है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सनी देओल की सौतेली माँ यानी कि हेमा मालिनी को लेकर। सनी देओल गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हेमा मालिनी मथुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि दोनों ही बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मगर ऐसे में सोशल मीडिया पर जो खबर आ रही है वो ये है कि बेटी सनी के लिए अब हेमा मालिनी चुनावी प्रचार पर उतर आई है। दरअसल पहले आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी चुने जाने के बाद चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन हाल ही में भाजपा में शामिल हुए फिल्म स्टार सनी देओल, बाड़मेर में सांसद हेमा मालिनी ने पाली में रोड शो किया। दोनों के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, भट्टी के मापिक तय रहे। बाड़मेर में सनी की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहे। तेज धूप थी मगर उसके बावजूद भी सनी ने किसी को निराश नहीं किया और जबरदस्त नारेबाजी के बीच उन्होंने अपने रोड शो को पूरा भी किया। सनी देओल कुछ दिन पूर्व ही भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने पंजाब के गुरदासपुर से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। सनी देओल शनिवार को दोपहर भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में प्रचार करने बालमेड़ा पहुंचे थे। कैलाश चौधरी के साथ एक कार में सवार होकर सनी बालमेड़ की सड़कों पर रोड शो के लिए निकले और लोग उन्हें देखने की भीड़ जो है उमड़ बैठी। भीषण गर्मी से बेपरवाह होकर एक झलक देखने के लिए रोड शो में तमाम जनता को यहां पर देखा गया, जो सनी और बीजेपी के नारे लगाते दिखे। जहां पर राजस्थान में ही सनी देओल रहे तो वहीं राजस्थान के पाली में हेमा यहां पर रोड शो कर रही थी। हेमा मालिनी के रोड शो में भी तमाम भीड़ देखी गई। हेमा मालिनी साड़ी का पल्लू से अपने चेहरे को ढकने का प्रयास कर रही थी क्योंकि तेज धूप थी, मगर इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सनी पाजी जो है उनके लिए प्रचार किया है हेमा मालिनी ने। जी हाँ, हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा कि हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे सनी देओल के लिए चुनावी प्रचार करेंगी।
क्योंकि हेमा और सनी का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। जी हाँ, हेमा मालिनी और सनी के बीच की तकरार तो हम आपको कई बारी बता चुके हैं कि हेमा और सनी के बीच जो है रिश्ता कुछ ज्यादा खास नहीं है। ऐसे में कहा यही जा रहा था कि जब हेमा मालिनी बीजेपी की ऑलरेडी प्रत्याशी थी और यहाँ पर सनी देओल भी गुरदासपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बने, तब सवाल यही उठने लगे थे कि क्या हेमा मालिनी अपने बेटे सनी देओल के लिए चुनावी प्रचार करेंगी। हालांकि दोनों राजस्थान में ही चुनावी रोड शो कर रहे थे। ऐसे में रोड शो के दौरान दोनों के ही भीड़ देखी गई। यहां पर जनता काफी रही और बीजेपी के हेमा मालिनी के और सनी के नारे भी लगाए। अब ऐसे में कहा ये जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हेमा मालिनी ने सौतेले बेटे सनी का हाथ थाम लिया है और सनी के लिए रोड शो में उन्होंने प्रचार भी किया। हालांकि पूरी सच्चाई बेहद जल्द सामने आएगी और अगर ऐसा किया भी है तो कहीं ना कहीं अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है। यहाँ पर आपसी बिगड़े रिश्ते कब सुधर जाते हैं ये खुद भी पता नहीं चलता। देखा आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही है कि भाई हेमा मालिनी ने सनी का प्रचार किया है। हालांकि प्रचार किया है या नहीं ये महज एक जो है कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसी कंफर्मेशन तो नहीं सामने आई है। मगर हाँ, एक ही राज्य में यानी कि राजस्थान में दोनों रहे थे। पाली में एक जना कोई रोड शो कर रहा है तो वही बाड़मेरा में दूसरा कोई रोड शो कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा यही जा रहा है कि हेमा मालिनी जो है सनी के लिए अब चुनावी मैदान पर उतर आई है और उनके लिए प्रचार भी कर रही है। कहीं ना कहीं कई बारी ऐसी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि सनी बाजी जो है हेमा मालिनी के साथ अपने जितने भी उनके खराब रिश्ते हैं, जितने भी उनकी खराब चीजें हैं उसे लेकर अब समय के साथ वो बदल चुके हैं। मगर फिर भी एक जो कहते हैं ना कि एक कोई चीज है जो दोनों को आज भी एक दूसरे से अलग कर रही है। ऐसे में देखना वाकई ही दिलचस्प होगा कि एक ही पार्टी से माँ भी है और उसी पार्टी से बेटा भी खड़ा है। अब ऐसे में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि हेमा मालिनी जो है सनी के लिए प्रचार कर रही है, तो क्या सच में हेमा मालिनी सनी के लिए प्रचार कर रही है? क्या सच में हेमा मालिनी जो है सनी देओल को चाहती है कि वो इस सीट से जीते, या फिर आने वाले टाइम में वो कभी इसका प्रचार करेगी? खैर ये सवाल है, ये सवाल उठते रहेंगे ही। और जो नतीजे हैं कि कौन गुरदासपुर सीट से जीतेगा, कौन मथुरा सीट से जीतेगा, ये नतीजे आएंगे 23 मई को और ये सब फैसला करेंगे आप ही। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।